हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम बड़ी सिंपल सी एक हट बनाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है हट बनाने में, तो पेपर यूज़ करो मैं 25% कॉटन। हट भी हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा पुराना सा फील दे। तो ये ड्राइंग है इसकी। तो फिगर भी बना दिए। चलो कलर्स ट्राई करते हैं। कलर्स को एक बार वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा ड्राई हो चुके हैं। कलर्स के नाम मैं बताता जाऊंगा साथ साथ जो जो यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अल्ट्रामरीन ब्लू से, थोड़ा सा इसमें सेरुलिन ब्लू भी है। पेपर हॉट प्रेस्ड है, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा स्लिपरी सा है। कोई टेंशन नहीं, इसका एक अपना ही इफेक्ट होगा, इसी को एंजॉय करेंगे। इंडियन येलो और थोड़ा सा स्कारलेट यूज कर रहा हूँ। इसी के साथ थोड़ा सा येलो, लेमन येलो और गेम्बोज दोनों को। अब थोड़ा सा स्कारलेट कलर लेके छत पे आते हैं, थोड़ा सा ब्लू भी ऐड कर देते हैं इसमें। वेट ऑन वेट थोड़ा सा शेडो वाला एरिया भी पेंट कर ही देते हैं। भी थोड़े से ट्रीज बैकग्राउंड में दिखाते हैं। थोड़ा सा और डिस्टेंस पे दिखाने के लिए थोड़ा सा ब्लूश रखेंगे। देखो कैसे प्ले कर रहे हो, कर रहा हूं मैं कलर्स के साथ, तो बिना डरे प्ले करते जाइए बस, बाद में कंट्रोल करेंगे चीजों को। टाइम सेव करने के लिए इसे ड्रायर से सुखा रहा हूं मैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा आर्टवर्क सूख चुका है, थोड़ा छोटा ब्रश यूज करेंगे। कलर पहले से थोड़े से थिक होते जाएंगे। थोड़ा सा ब्लू टच कर दिया इसमें।
देख सकते हैं कि शेडो आने के साथ ही आर्टवर्क 3D होना शुरू हो गया। छत का जो टेक्सचर है उसपे जो छोटी छोटी टाइल्स होती हैं उनका इफेक्ट दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाने के लिए और हट को स्टैंड आउट करने के लिए मैं थोड़ा सा पर्पल शेड बना के ग्रीन के साथ मिक्स करके थोड़ा सा लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा पीछे वाले जो ट्रीज है वो डिस्टेंस शो कर जाए। फिगर के ऊपर अब मैं कलर नहीं अप्लाई कर रहा, उसको हम लोग नेगेटिव छोड़ देंगे। कई बार ये एक बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही मैंने रैंडम पेपर उठा लिया कोई पुराना, तो मुझे ये पेपर पे काम करके इतना मजा आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा बन रहा है, कलर बहुत अच्छे अप्लाई हो रहे हैं, पर इसका नाम नहीं पता कौन सा पेपर है। ये बड़ी दिक्कत है कि अगर मुझे ये दोबारा चाहिए होगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कौन सा पेपर मैंने यूज किया है। कोशिश करें कि जब भी आर्ट वर्क बनाए तो पेपर का पता होना चाहिए आपको कौन सा यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पेपर दोबारा चाहता हूँ कि मेरे पास हो ये, तो ये मैंने काफी सारे जो इकट्ठे पेपर पड़े थे उनमें से निकाल के यूज कर दिया। सो अब मुझे श्योर नहीं है कि कौन सा पेपर है, कौन से ब्रांड का है। एक और चीज, पत्तों की डिटेल देने की जरूरत नहीं है, एक एक पत्ता बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बोल्ड स्ट्रोक्स में ही काम करें। यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रे कर रहा हूँ मैं ब्लेंड करने के लिए।
सा टेक्सचर सा बना दिया कलर्स का, देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लो आया। तब इसे अच्छे से सुखा के फाइनल डिटेलिंग करते हैं इसको। अभी हमारा आर्टवर्क पूरी तरह से सूख चुका है, तब इसकी फाइनल डिटेलिंग करते हैं। तो फाइनल डिटेलिंग के लिए हम लोग थिक कलर यूज करेंगे, थोड़ा ब्लू बर्न सेना वगैरह मिला के थोड़ा सा। अच्छा रेड भी मिला लिया। थोड़ा सा ब्लैक का भी टच दे देते हैं। दरवाजा बनाया, तो यहाँ से थोड़ा सा डिफ्यूज रखते हैं। अभी एक काम और करना है, पुराने घरों में ना डिजाइन बने होते थे मिट्टी के घरों में, अगर किसी ने ध्यान से देखा तो इस तरीके से होते थे। ऐसा गेरुआ कलर बोलते हैं, ईंट ऐसा होता है, थोड़ा इससे डिजाइन करते थे घर को। अभी देख सकते हैं सजावट हो गई है घर की। भी पूरा का पूरा फोकस हमारा हट पे आ गया है। फिगर पे आते हैं। ये रास्ता सा भी बना दिया एक, अभी फिगर के ऊपर काम करते हैं। अभी थोड़ा व्हाइट के साथ थोड़ा सा क्रिम्सन ले लेते हैं, थोड़ा सा कंट्रास्ट बन जाएगा फिगर का बैकग्राउंड से। फिगर के इस तरफ थोड़ा सा डार्क हो जाए कलर शेडो की वजह से।
स्किन कलर की जगह हम लोग रेड और येलो यूज करेंगे, थोड़ा सा ऑरेंज बना के। हाँ देख सकते हैं कि फिगर भी हमारी स्टैंड आउट कर गई है, थोड़ा सा कपड़ों को थोड़ा डिजाइनर दिखाने के लिए। फिगर भी बन गई है हमारी, थोड़ा सा फैंस वगैरह सूखा ट्री इस तरीके की चीजें ऐड कर देते हैं। घर के अराउंड फेंस लगा दी हमने। अब एक सूखा ट्री बनाते हैं, वो हमारा सिग्नेचर ट्री है, तो यहाँ से ही लगाते हैं। ये देखिए आर्ट वर्क हमारा पूरा हो चुका है, बर्ड्स और सिग्नेचर रह गए हैं। थोड़े से बर्ड्स और सिग्नेचर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आर्ट करने के लिए, तो आपको मज़ा भी आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।